दोस्तों, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल के अंदर बंद है और हालत ये है कि जमानत मिलना तो दूर, आर्यन पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही। अब आर्यन को लेकर कई दिनों से कहा जा रहा था कि आर्यन की चैट पेडलर से हुई है, अरबाज से हुई है, और अब सबसे बड़ी बात यही है कि यही व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आर्यन खान की अरबाज मर्चेंट की मुनमुन धामीचा की वो चैट सामने आ गई है जिससे पूरे प्लान का खुलासा होता है। कैसे ड्रग पार्टी के लिए प्लान बनाया गया था, कैसे विदेशों से बातचीत हुई, कोड वर्ड्स में क्या क्या कहा गया और भी कई खुलासे। तो आपको बताते हैं आर्यन खान की चैट में क्या क्या है, क्या हुए नए खुलासे। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आर्यन खान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आर्यन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है क्योंकि जिस चैट को लेकर आर्यन पर आरोप लगाए जा रहे थे, आर्यन पर खुलासे हो रहे थे, वही चैट अब सामने आ गई है। जी हाँ, आर्यन खान की वही गंदी वाली चैट सामने आ गई है। और बड़ी बात यह है कि ये चैट एनसीबी पहले ही अपनी केस डायरी में लगा चुकी है और जमानत पर सुनवाई के दौरान भी इस चैट के कुछ हिस्से एनसीबी ने कोर्ट में बताए थे और अब पूरी की पूरी चैट सामने आ गई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए कि कैसे ये पूरा गंदा धंधा चल रहा था, कैसे अय्याशी के लिए ड्रग का इस्तेमाल हो रहा था। एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से कई तरह की चैट बरामद की है, कई लोगों के साथ इसमें बातचीत है और उनमें पहली चैट अरबाज मर्चेंट के साथ है। अरबाज मर्चेंट के साथ आर्यन खान की कई सारी बात है। एनसीबी सूत्रों से मिली चैट में बहुत कुछ खुलासा किया है। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक आर्यन और अरबाज की लगभग हर रोज बातचीत होती थी। दोनों के बीच में बेहद करीबी दोस्ती दिख रही है। चैट्स के मुताबिक 30 सितंबर को अरबाज ने आर्यन को मैसेज किया था और क्रूज पार्टी का जिक्र किया था और आर्यन की तरफ से भी हंसी वाली, यस वाली, हाँ वाली इमोजी बनाई गई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर को दोनों के बीच बातचीत हुई है और पार्टी को लेकर भी बातचीत हुई है जिसमें आर्यन खान ने अरबाज से पूछा है कि सब कुछ रेडी है, तो अरबाज ने भी हाँ में जवाब दिया है कि हाँ पार्टी के लिए सब कुछ रेडी है, क्रूज पार्टी के लिए सब कुछ तैयार है। अब हालांकि उस सब कुछ से क्या मतलब है यहाँ पूरा साफ नहीं है, आगे देखिए। इसके बाद 2 अक्टूबर की सुबह की भी चैट है जिसमें अरबाज ने आर्यन के घर पहुँचने के लिए मैसेज किया और उसके बाद आर्यन ने जवाब दिया कि हाँ जल्दी घर पहुँचो, और साथ ही आर्यन ने ये भी लिखा है कि प्रतीक भी जल्दी पहुँच रहा है और यहाँ से सभी लोग साथ ही एक ही गाड़ी में निकलेंगे। जी हाँ, ये पहले से प्री प्लान था कि ये सभी लोग एक साथ ड्रग्स पार्टी के लिए क्रूज पर जाने वाले थे और सभी आर्यन के घर मन्नत में इकट्ठा होकर वहां से रवाना हुए थे और अब तो ये सभी लोग जान भी चुके हैं। इसके बाद आर्यन ने अरबाज मर्चेंट को लिखा है कि आज हम ब्लास्ट करेंगे, जी हाँ क्रूज पार्टी में धमाल मचाएंगे, ये आर्यन खान ने अरबाज मर्चेंट को लिखा है। 2 अक्टूबर की सुबह ये मैसेज आर्यन ने अरबाज को किया जिसमें साफ साफ ब्लास्ट पार्टी का जिक्र है। अब यहाँ पर समझने वाली एक और बड़ी बात यह है कि ड्रग की किसी भी तरह से सीधी सीधी कोई बात नहीं है, लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया गया और सभी को पता था कि क्रूज में कौन सी पार्टी होने वाली है। अब आर्यन खान की एक दूसरी चैट भी है जिसमें आर्यन किसी विदेशी से बात कर रहा है, ये नंबर भारत का नहीं है और विदेश के नंबर से ये चैट हो रही है। अब यहाँ पर कुछ बातें कोड वर्ड्स में हो रही हैं। अब वो कोड वर्ड्स क्या है वो भी देखिए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान की तरफ से CH और D नाम से 3 कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और इसे लेकर लंबी बातचीत की गई है। और जो सबसे बड़ी और सबसे नई बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इसी विदेशी से आर्यन खान ने बल्क क्वांटिटी की बात की है। जी हाँ, मैसेज में, चैट में बल्क क्वांटिटी लिखा गया है और बल्क क्वांटिटी का साफ मतलब है कि बड़े लेवल पर उसे माल चाहिए। हालांकि ये भी साफ नहीं लिखा है कि ये बल्क क्वांटिटी यानी कि ज्यादा मात्रा किस चीज के लिए चाहिए और किसके लिए चाहिए, लेकिन ये जरूर साफ साफ लिखा है कि इस बार सामान ज्यादा मात्रा में चाहिए और इसके लिए पैसों की लेन देन का भी जिक्र है। अब बड़ी बात यह है कि आर्यन खान मुंबई में भी 2 विदेशी पेडलर्स के संपर्क में था, ये एनसीबी का कहना है, और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान की इनसे भी बातचीत हुई है और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि बेहद स्लैंग लैंग्वेज में यूज होते हैं और यहाँ पर एनसीबी का अंदाजा है कि ये सब कुछ ड्रग्स के लिए बातचीत हो रही थी और ड्रग्स की ही बड़ी मात्रा भी यहाँ पर मंगवाई जा रही थी।
आर्यन खान ने अपने चैट में कुछ प्रतिबंधित सामान के बारे में भी लिखा है और उन्हें भी आर्यन की तरफ से मांगा जा रहा है। हालांकि आर्यन के वकील अमित देसाई का कहना है कि आर्यन ने जो कुछ भी मांगा है वो कई देशों में वैध है और हो सकता है कि जब आर्यन खान विदेश में हो जब ये चीजें मंगवाई गई हों और इसीलिए इसे गलत ना समझा जाए। लेकिन आर्यन के वकील अमित देसाई की इसी बात ने ये भी साफ कर दिया दोस्तों कि आर्यन खान ने गलत सामान मंगाया जरूर था। अब भले ही वो किसी देश में वैध क्यों ना हो लेकिन भारत में इलीगल है और खुद आर्यन के वकील ने भी इसे कबूल कर लिया कि आर्यन खान इसे मंगवा सकते हैं क्योंकि वो विदेश में वैध था लेकिन भारत में अवैध है। यही नहीं एनसीबी के मुताबिक बड़ी मात्रा मंगाने का मतलब भी यही है कि आर्यन खान इसे अपने लिए और साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों के लिए मंगा रहे थे और एनसीबी ने सीधे सीधे पेडलर्स के संपर्क में आर्यन खान के होने का बड़ा खुलासा किया है, बड़ी बातें कही हैं। तो कुल मिलाकर आर्यन खान की चैट ने बहुत कुछ खुलकर रख दिया। हालांकि अभी तो बहुत सारी चैट्स हैं जो एनसीबी के पास हैं, अभी कुछ ही चैट्स बाहर निकल पाई हैं और पूरा केस इन चैट्स के जरिए साफ हो गया है, सामने आ गया है। तो फिलहाल तो अब आर्यन खान को इन चैट्स के बाद जमानत मिलने की भी संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है और हो सकता है कि हाई कोर्ट से भी आर्यन खान की जमानत रद्द हो जाए जो कि शाहरुख खान के लिए आर्यन खान के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो इन चैट्स पर आर्यन खान के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों जेल में बंद आर्यन खान की उम्मीद तब टूट गई जब 14 अक्टूबर को जज ने उनकी जमानत पर 20 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। आर्यन को लगा था कि जेल में वो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद ही निकल लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके साथ ही आर्यन को जो क्वारंटाइन होने की वजह से थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल रही थी उन्हें भी खत्म कर दिया गया। आर्यन को अब दूसरे कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया गया है। आर्यन के साथ जो और 6 लोग थे उन्हें अलग अलग बैरक में रखा गया है। आर्यन को अब जेल में उनके नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें कैदी नंबर N956 दिया गया है। अब उन्हें हर कोई इसी नंबर से बुलाएगा। आर्यन के लिए शाहरुख ने 11 अक्टूबर को 4500 रुपए मनी ऑर्डर किए थे। जेल में कैदी के लिए हर महीने सिर्फ 4500 रुपए ही भेजे जा सकते हैं। आर्यन पहले ही जेल में पानी और बिस्किट खरीदने पर काफी पैसे खर्च कर चुके हैं क्योंकि अब उन्हें जेल में और कई दिनों तक रहना है, इसीलिए आर्यन ने अब जेल का खाना खाना शुरू कर दिया है। आज तक के मुताबिक आर्यन को जेल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसके बावजूद भी वो खाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल के हालात से तो हर कोई वाकिफ है, खूंखार से खूंखार शख्स इसी जेल में रहता है, इसीलिए आर्यन की सेफ्टी के लिहाज से 24 घंटे उन पर नजर रखी जा रही है। आर्यन जेल में किसी से बात नहीं कर रहे, ज्यादातर वक्त वो परेशान रहते हैं। जेल के अधिकारी बताते हैं कि शुरुआत में जेल के अंदर आने वाला हर शख्स इसी तरह का व्यवहार करता है लेकिन बाद में धीरे धीरे हर कोई एडजस्ट कर लेता है। महलों में रहने वाले आर्यन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें जेल में अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। आर्यन जरूर अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे होंगे कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उन्होंने क्रूज शिप पर जाने का फैसला लिया था। और सबसे बड़ी बात कि शायद अब इसके बाद आर्यन ड्रग या ड्रग जैसे किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने से कतराएंगे।